नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जुलाई के महीने में 5 तारीख को पूर्णमासी का चांद नजर आएगा। इस दिन कई देशों में चंद्र ग्रहण भी देखा जाएगा। जुलाई में दिखने वाले इस सुपर मून को दुनिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। यहाँ तक कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका और यूरोप में खेती करने वाले लोगों का समूह अक्सर ही चांद का अलग अलग नाम रखता था। नासा के एक ब्लॉग के मुताबिक गर्मियों की शुरुआत में बक हिरणों के नए एंटलर्स उनके सिर से बाहर निकल जाते थे। इस समय के आसपास दिखने वाले पूर्ण चांद को इस वजह से बक मून कहा जाता है। गर्मियों के महीने में बारिश और बिजली कड़कना काफी आम बात है। इसी वजह से जुलाई के महीने में दिखने वाले पूर्णमासी के चांद को थंडर मून भी कहा जाता है। जुलाई के इस फुल मून का एक और नाम है हे मून। यूरोप के देशों में हे बनाने का सीजन जून और जुलाई में शुरू होता है और इस वजह से वहां के किसान जुलाई के इस फुल मून को हे मून कहा करते हैं। यूरोप के देशों के किसान इस सीजन में शहद को फर्मेंट कर इससे वाइन तैयार करते हैं जिसे मिट कहा जाता है। इस वजह से जुलाई के फुल मून को इन देशों में मिट मून कहा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।